सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा इको फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, डेट है आज 4 अक्टूबर 2023, टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बजे। तो फाइनली गाइस, मेरी वैष्णो देवी की यात्रा है जो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद एक दिन कटरा में रेस्ट किया, कल का दिन कोई व्लॉग नहीं किया, कल का दिन पूरा रेस्ट किया क्योंकि काफी ज्यादा थक गया था यात्रा करके। आज सुबह सुबह भी काफी ज्यादा रेस्ट हो गया और निकला हूं। आज मैं कटरा की जो लोकल प्लेसेस है वो एक्सप्लोर करने वाला हूं, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कटरा की कौन कौन सी लोकल प्लेसेस है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बजट में कैसे एक्सप्लोर करना है, सब कुछ आपके बताने वाला हूं। अभी मैं खड़ा हूं सात्विक होमस्टे पे। अगर आपको होमस्टे बुक करना है उसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना कटरा का लोकल साइट सीइंग, सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताता हूं। फिलहाल मैं निकल रहा हूं अपने होटल से। यहाँ पे मोस्टली जो होटल्स रहते हैं जो थोड़े दूर रहते हैं उनमें वैन के द्वारा पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाती है। मैं भी अभी नीचे जाऊंगा, यहाँ के जो ओनर है उनसे कहूंगा कि मुझे बस स्टैंड पे ड्रॉप कर दें, फिर उसके बाद मैं बस स्टैंड पे जाके इंक्वायरी वगैरह करूंगा कि कैसे कैसे हम जा सकते हैं यहाँ पे, लोकल प्लेसेस जो एक्सप्लोर करनी है कौन कौन सी लोकल प्लेसेस हैं। यहाँ मैं सोच रहा हूँ पत्नी टॉप जाने की यहाँ से। तो जो भी प्लान होगा आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, बिना स्किप कर देखना। तो गाइज, ये अपना रूम, ठीक है, ये हमने चेकआउट कर दिया पूरा और अभी निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट बस स्टैंड की ओर, कटरा बस स्टैंड की ओर। सो गाइज, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कटरा के पुराने बस स्टैंड पे। तो अगर आपके होटल भी यहीं पे या आप कहीं पे भी है तो आपको पहुंच जाना है कटरा के पुराने बस स्टैंड पे। यहाँ पे आपको एक ये पराठे वाली गली दिखेगी जहाँ पे ना बहुत सारी पराठे की स्टॉल्स लगी हुई है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट वगैरह या अपना लंच कर ले पराठे खा के। 50 रुपये में आपको पराठे की थाली है जो मिल जाएगी, जिसमें कि आपको 2 पराठे, ठीक है, 2 सब्जी, जिसमें कि आपको चने और दाल और अचार मिलता है। तो 50 रुपये में काफ़ी अच्छी डील है जो कि आपका पेट भर के खाना हो जाएगा। या अगर आपको चाइनीज़ वगैरह खाना है तो नूडल मंचूरियन भी आपको मिल जाएंगे। ये सब खाने के बाद आप वहीं से ना ऑटो करवा लीजिए अगर आपको ये सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है जो कटरा के आसपास है। वैसे तो आप टैक्सी भी करा सकते हैं, आपके पास ना टोटल 3 ऑप्शंस रहने वाली है। सबसे पहली ऑप्शन रहेगी बस की, अगर आप बाई बस जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बाई बस जाएंगे तो आपको खर्चा ज़्यादा ही होगा क्योंकि जो बसेज है वो ना आप मेन रोड पर उतारेगी, तो उसके बाद आपको आगे ऑटो करना ही पड़ेगा। तो उससे बेटर है आप या तो ऑटो कर ले या आप वहाँ पर क्या कर ले, ठीक है, टैक्सी कर ले। टैक्सी अगर आप करेंगे तो 3500 रुपये आपको फुल डे का लगने वाला है, जिसमें आप 4 बंदे बैठ के एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑटो अगर आप करेंगे तो ऑटो भी आपको सेम 4 जगह ही घुमाएगा और आपके ऑटो में लगेंगे 800 से 1000 रुपये। जब जो पब्लिक है ज़्यादा होती है तो 1000 रुपये चार्ज करते हैं, अभी पब्लिक कम थी तो मैंने 800 रुपये में ही ऑटो करवाया है, जो कि आज मुझे 4 पॉइंट्स है जो कवर करवाने वाला है। तो कटरा से मैं निकल चुका हूँ 4 पॉइंट्स एक्सप्लोर करने के लिए। रास्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल पर आए हैं तो पर्सनल व्हीकल पर तो आप बहुत ईजिली सारी जगह हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बाइक रेंटल या स्कूटी रेंटल सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन होती है, या तो आप टैक्सी करवा के जाए या आप ऑटो करवा के जाए। टैक्सी मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ रही थी तो मैंने यहाँ से करवाया ऑटो। तो ऑटो में बैठ के अभी निकल पड़े, ठीक है, आगे। तो उसके बाद आगे हम जाएंगे। पूरा रास्ता काफ़ी ज़्यादा, आपको जो डिस्टेंस है ना वो 10 से 12 किलोमीटर का ही है, ज़्यादा दूर था नहीं। तो आपको जो कवर करने में 1/2 घंटा लगने वाला है। अभी जो मैं निकला था पुराने बस स्टैंड के कटरा से 3 बजे मैं वहाँ से निकला था, तो 3 साढ़े 3 4 घंटे का समय है जो मुझे लगेगा एक्सप्लोर करने में। ऑटो में बैठ के भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, रास्ते काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे, ऑटो भी यहाँ पे डिसेंटली चल रहा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो आप बस में भी आ सकते हैं। यहाँ पे ना जो कटरा में है या जम्मू में ज़्यादा रास्ते ऐसे पहाड़ वाले नहीं है, मोस्टली जो रास्ते हैं सारे यहाँ पे आपको सीधे सीधे प्लेन रास्ते ही देखने को मिलेंगे। और 1/2 घंटे की जर्नी के बाद ना एक मोड़ सा आएगा, अगर आप बस से आएंगे तो बस आपको यहीं मेन रोड पर उतार देगी, जिसके बाद आपको पैदल चल के इस पॉइंट तक जाना पड़ेगा। मतलब 2 से 3 किलोमीटर आपको है जो पैदल चलना पड़ेगा। तो लेकिन हम तो ऑटो में आए थे तो ऑटो वाला हमको डायरेक्ट ले जा रहा है। जो हमारी आज की पहली डेस्टिनेशन रहने वाली है वो रहने वाली है बाबा दंसर। तो अगर आप यहाँ पे वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रहे हैं तो कटरा में आसपास देखने के लिए टोटल 4 पॉइंट है, जिसमें से आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है जो रहने वाला है बाबा धनसर। सबसे बेस्ट और सही लोकेशन आपको रहने वाली है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो बाबा धनसर के दर्शन करने ज़रूर आएँ। ये थोड़ा सा ऑफ बीट में आपको पड़ जाता है, तो ऑटो करके या टैक्सी करके आना ही आपके लिए बेटर है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन थी, हमारे ऑटो वाले ने भी हमको लगभग 40 मिनट में कटरा से बाबा धनसर तक पहुँचा दिया। उसके बाद यहाँ पर ऐसी कुछ पार्किंग में ऑटो वाला वेट करके आपको उतार देगा। तो यहाँ से आपको ना भी ट्रैक करके जाना है, तो मैं भी अपना ट्रैक है अभी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से काफ़ी अच्छी लोकेशन थी, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे था, तो अभी यहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेट चलते चलते नीचे जाना है, 80 से 90 सीढ़ियाँ उतर के आपको नीचे जाना पड़ेगा। जो बाबा धनसर का टेम्पल है वो नीचे उतर के, तो 80 से 9 सीढ़ियाँ हमको उतरनी है।
तो मेरे को तो व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही होगी इस वीडियोस में से। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम में हम जो सीढ़ियाँ वगैरह नीचे उतर जाएंगे और कितने टाइम में हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ जाएंगे। तो लगभग 3 बजे मैं कटरा से निकला था और 3:40-45 तक मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ पे जो ऑटो वाले ने हमको ना 1 घंटे का टाइम दिया, जो कि मुझे काफ़ी बुरी बात लगी। तो अगर आप ऑटो करके आ रहे हैं तो ऑटो वाले से पहले ही बात करके आए कि हमको टाइम लिमिट जितना मतलब आपको चाहिए, जैसे हर पॉइंट के लिए एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का टाइम लिमिट आप ले, वैसे यहाँ पे अभी आपको आगे आगे पता लगी जाएगा। तो बाबा धनसर के लिए उसने हमको 1 घंटे का टाइम दिया है कि आप 3:40 हुए हैं तो 4:40 तक वापस आ जाना, बट देखते हैं नीचे जाके कैसा टाइम लगेगा। तो सीढ़ियाँ उतरनी शुरू करी तो सबसे पहले ही 2-3 दुकानें आ गई खाने पीने की। अगर आपको भूख वगैरह लगी तो आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह अपना या लंच जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं और उसके बाद आगे जा सकते हैं। सीढ़ियाँ और जो ट्रैक है वो पूरा एकदम अच्छा वेल डेवलप है, तो कोई भी इशू आपको आने नहीं वाला। नीचे प्रसाद भी चढ़ता है, तो प्रसाद के लिए यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 दुकानें ही है। तो अगर आपको प्रसाद खरीदना हो तो ऊपर ऊपर से ही प्रसाद खरीद ले, क्योंकि नीचे जाके कोई भी दुकानें आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर दिया है। तो रास्ते में आपको पानी के लिए वाटर कूलर्स वगैरह भी मिल जाएंगे अगर आप पानी पीना चाहते हैं। ये भी पूरा जंगल टाइप इलाके में, इसलिए यहाँ पे भी प्रॉपर शेडिंग वगैरह कर रखी है, प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो अभी फटाफट नीचे चलते हैं और करते हैं बाबा धनसर के दर्शन। तो उसके बाद अभी आपको देखते, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। इस ट्रैक का सबसे अच्छी बात यह है इस पॉइंट पे आने की कि आपको ना जो इजी पार्ट है वो पहले करना है, मतलब सीढ़ियाँ उतरना है नीचे आराम से। तो लगभग सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय आपको लगने वाला है जो आप सीढ़ियाँ उतर के बाबा धनसर के दर्शन करने के लिए नीचे पहुँच जाएंगे। वापस आते हुए आपको थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। जैसे ही आप यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे आपको दिखेगा एक बोर्ड कि आपको यहाँ पे अपने जूते चप्पल उतार देने हैं और चले जाना है अंदर बाबा धनसर के दर्शन करने के लिए। तो मैंने भी फटाफट अपने जूते चप्पल यहाँ पे उतार दिए और चल दिया बाबा धनसर के दर्शन करने के लिए। यहीं पे एक शिव गुफा भी है, ठीक है, गुफा भी है, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप बोर्ड पे भी देख पा रहे हैं बाबा धनसर वह शिव गुफा, तो अंदर तो शायद मैं शूट नहीं कर पाऊंगा शिव गुफा या बाबा धनसर के, तो आपको यहीं तक तो मैं दिखा पाऊंगा इसके। अगर आपको आगे देखना है कि क्या है यहाँ पे देखने के लिए, तो आपको यहाँ पे स्वयं आना पड़ेगा। पर यहाँ पे मैं आपको जो नज़ारे दिखाता हूँ जो कि मतलब यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, जिसको बोलते हैं ना, मतलब इतना साफ पानी है और इतना खूबसूरत नज़ारा है ना जो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। देखो यार मतलब कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी वीडियो में तो शायद आपको इतना खूबसूरत ना भी लग रहा हो, लेकिन रियल में ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति थी, इतना मज़ा आ रहा था ना कि आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पे अभी 5 से 10 मिनट मैंने फोटोग्राफी वगैरह कराई, वीडियो वगैरह कराई, उसके बाद मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर की तरफ दर्शन करने। तो ऐसे कुछ नज़ारे हैं जो आपको और क्लोज से भी दिखा देता हूँ कि कैसे रहने वाले हैं। अब मंदिर परिसर के हम बिल्कुल पास में पहुँच चुके हैं। ये बिल्कुल सामने आपके मंदिर है जहाँ पे आपको जाना है। लाइन यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल खाली था मंदिर, तो बिल्कुल सीधा आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और एक और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाता हूँ, आप पानी की आवाज़ के साथ ये खूबसूरत नज़ारे को इन्जॉय कीजिए। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर ये नज़ारा है जो लग रहा है बाबा धनसर की। तो आपने नज़ारे तो सब इंजॉय कर लिए होंगे। अब फटाफट चलते हैं बाबा धनसर के दर्शन करते हैं, फिर आपको शिव गुफा भी दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे आपको चलना वगैरह बिल्कुल नहीं पड़ता, ना ही लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट है ये मंदिर खाली रहता है। तो आप भी अगर कटरा आ रहे हैं तो यहाँ पे दर्शन ज़रूर करें। अभी मैं करने जा रहा हूँ दर्शन, अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं फ़ोन को रखता हूँ जेब में। दर्शन करके आ चुका हूँ, ठीक है, 3 मिनट का समय लगा। अंदर बहुत ही ज़्यादा आनंद आया यार, बहुत ही अंदर मतलब देखने वाली और दर्शन करने वाली चीज़ है। और बिल्कुल मंदिर से जब ऐसे आ जाएंगे तो थोड़ी सी 10 से 15 सीढ़ियाँ चढ़ के वो सामने लाइन लगी हुई है, जब आप देख पाएंगे शिव गुफा, जो कि ओरिजिनली बहुत ही अच्छी गुफा है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं, काफी छोटी स्पेस में, तो इसके अंदर भी जाके दर्शन करूंगा। गुफा के अंदर भी दर्शन करके आ चुका हूं। गुफा में दर्शन करने के लिए लगभग मुझे आधे घंटे का समय लग गया। एक एक करके अंदर जाते हैं क्योंकि गुफा में काफी जगह जो कम है, तो एक एक करके दर्शन हो गए, लेकिन आधे घंटे में दर्शन हो गए और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। पंडित जी भी बहुत अच्छे थे, पूरा उन्होंने हिस्ट्री बताया एक एक बंदे को, वो जितनी बार जो भी बंदा आ रहा था उसको एक एक करके पूरी हिस्ट्री रिपीट कर रहे थे और प्रसाद भी दे रहे थे। तो दर्शन करके अब मैं निकल चुका हूँ। यहाँ पे ना
नीचे नदी है जहाँ पे आप जाके नहा सकते हैं। तो चारों पॉइंट्स में से सबसे बेस्ट पॉइंट है जहाँ पे आप नहा सकते हैं। तो अगर आपको नहाना है तो आप अपने कपड़े टावल वगैरह भी लेके आ सकते हैं। दर्शन करने के बाद आपको ऐसे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना है और नीचे जाके आपको यहाँ पे एक नदी देखने को मिलेगी जहाँ पे जाके आप स्नान कर सकते हैं। तो हमको तो पहले से पता था कि यहाँ पे नहा सकते हैं, तो मैं भी अपना टावल वगैरह सब लेके आया था, लेकिन देखते हैं कैसा माहौल है। नीचे जाके ही पता लगेगा कि मैं यहाँ पे नहा पाऊँगा या नहीं नहा पाऊँगा। सामने नदी तो दिखने लग गई है। तो नीचे जाने के लिए ना जो मैं तो चप्पल पहन के नहीं आया, लेकिन जब आप बाबा धनसर के दर्शन कर लें तो अपनी चप्पल वगैरह पहन के ही नीचे जाएँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए चलने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पथरीला रास्ता है और टूटा हुआ कच्चा रास्ता है। तो जूते चप्पल पहन के ही नीचे जाएँ। मैं तो नंगे पैर आ गया, इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो पत्थर है वो चुभ रहे हैं। तो बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं लोग फोटोज खिंचवा रहे हैं, यहाँ पे काफी लोग नहा भी रहे हैं। तो अगर आप भी नहाना चाहें तो आप भी यहाँ पे नहा सकते हैं। नहाने के बाद अगर आपको जो गर्ल्स वगैरह अगर नहाना चाहें तो उनके लिए यहाँ पे ना चेंजिंग रूम भी बना हुआ है, जो कि मुझे काफी अच्छी फैसिलिटी लगी कि अगर आप नदी में नहा के कपड़े वगैरह बदलने चाहती हैं लड़कियां, तो उनके लिए यहाँ पे चेंजिंग रूम बना हुआ है। लड़के भी उसी सेम चेंजिंग रूम में है जो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटी काफी ज्यादा अच्छी थी, पानी भी काफी ज्यादा साफ है, लेकिन ठंडा बहुत ज्यादा था। मैंने पहले नहाने का सोचा, लेकिन जब मैंने पैर डाले तो पानी एकदम बर्फीला पानी है और मौसम भी काफी ज्यादा ठंडा था, तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे नहाना सही नहीं होगा क्योंकि तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन काफ़ी लोग नहा भी रहे थे, तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको ठंडे पानी से नहाने की आदत है तो आप नहा सकते हैं। यहाँ पे फोटोज़ वीडियो खिंचवाइए, काफ़ी अच्छी फोटोज़ वीडियोज़ आ रही थी। और उसके बाद हम चलेंगे आगे की ओर। तो थोड़ी देर अभी यहाँ पे मैं आराम से शांति से बैठता हूँ, फिर जाऊँगा अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि रहेगा नौ देवी टेम्पल। सो गाइस, देखते ही इस पॉइंट पे ना 2 घंटे बीत गए, जो कि काफ़ी अभी भी समय है जो काफ़ी ज़्यादा कम पड़ा। तो अगर आप भी यहाँ पे ऑटो से आ रहे हैं तो ऑटो वाले को बता दें कि आपको 2 से 2.5 घंटे हैं जो बाबा धनसर पे लगने वाले हैं। अगर वो इस पे एग्री करे तो ही उसके साथ आए। हमको ऑटो वाले ने सिर्फ 1 घंटा दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है इस लोकेशन के लिए, क्योंकि लोकेशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और आपको सीढ़ियाँ उतर के सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है और लाइन में आपको दर्शन करने के लिए भी लगना, उसके बाद आपको नहाना भी है, यहाँ पे फोटोज़ वीडियोज़ भी खिंचवानी है और थोड़ी देर बैठ के शांति से रिलैक्स भी करना है, क्योंकि किसी जगह को सिर्फ देखने के लिए नहीं आते हैं, वहां की शांति को, वहां की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आते हैं। तो आपको अगर यहां पे आना है तो अपने ऑटो वाले से यहां के लिए एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे का समय लेके आइएगा। तो मैंने यहां पे अभी ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया, टाइम हो रहा है 5 बजे, तो ऊपर चढ़ के मैं पहुंच जाता हूं और ऑटो वाले से हमारा थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाता है। वो कहता है कि आपको 1 घंटे का टाइम दिया तो आपने 2-2.5 घंटे क्यों लगाए, जिस पर हमने उसको क्लियरली बोला कि हमने आपको जबरदस्ती आने के लिए नहीं बोला था और टाइम लिमिट की हमारी कोई बात नहीं हुई थी। तो आप ये सारी बातें ऑटो वाले से पहले ही क्लियर कर ले ताकि आपको सिचुएशन का जो सामना है ना करना पड़े, क्योंकि हम इसको 800 रुपये ऑलरेडी पे कर रहे थे, फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कत है ये दे रहा था। बट ठीक है, फिर भी हम कोई बात नहीं, वो मान गया, थोड़ा बहुत बोला लेकिन मान गया उसके बाद। लेकिन हम नेक्स्ट पॉइंट पे जो ज़्यादा टाइम है नहीं लगने वाला है, और बाबा धनसर से जैसे ही आप निकलेंगे तो 10 से 15 मिनट में ऑटो में बैठने के बाद, मतलब कि 4 से 5 किलोमीटर है और 10 से 15 मिनट का सफ़र है, जो कि आप करके पहुंच जाएंगे नौ देवी टेम्पल। आज का इस सफ़र का हमारा दूसरा डेस्टिनेशन रहने वाला है नौ देवी टेम्पल। तो जो नौ देवी टेम्पल है वो मेन रोड पे ही है, जिसके दर्शन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। मेन रोड पे उतरती आपको ऐसे नीचे सीढ़ियाँ दिखेंगी जिससे आप नीचे जा सकते हैं। सारी जो प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो अगर आपको यहाँ भी प्रसाद वगैरह चढ़ाना है तो आप यहीं से ऑलरेडी खरीद के नीचे जा सकते हैं। यहाँ भी आपको सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ेगा, 60 से 70 सीढ़ियाँ हैं जो आपको उतर के नीचे जाना पड़ेगा। बाबा धनसर में ज़्यादा थी, यहाँ पर नौ देवी टेम्पल में बाबा धनसर से हाफ सीढ़ियाँ हैं। यहाँ भी नहाने के लिए झरना है जिसमें अगर आप नहाना चाहें तो नहा सकते हैं, उसका भी पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहेगा, लेकिन वहाँ पर क्लीन की थोड़ी सी कमी थी। तो अभी आपको कराते हैं नौ देवी टेंपल के भी दर्शन, थोड़ा सा नीचे सीढ़ियां वगैरह उतर रहे हैं। तो सब बातों का ध्यान रखिए और आप भी करिए दर्शन मेरे साथ। अंदर शायद यहां पे भी वीडियो बनाना अलाउड नहीं होगा, तो एक पॉइंट के बाद यहां भी मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। काफी सारी दुकानें थी जहां पे आप वगैरह कर सकते हैं, तो इस पॉइंट के बाद ना मैं यहां पे वीडियो नहीं बना सकता था, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ था फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो मैं दर्शन करके आ गया और जिस झरने के बारे में मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल सामने झरना भी आपको दिखा दिया, जहां पे अगर आप नहाना चाहें तो यहां पे भी आप नहा सकते हैं। नौ देवी का भी जो टेम्पल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही छोटी सी गुफा थी और बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था गुफा में जाके दर्शन करने का। एकदम यार, मतलब कहते हैं ना कि पहाड़ के अंदर आप आ गए, नेचुरल पानी गिर रहा है और एकदम बिल्कुल पहाड़ के आप अंदर बैठे, असली गुफाएं, तो वैसा माहौल था जो कि काफ़ी अच्छा था। और नौ देवियों के दर्शन करके तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पंडित जी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने यहाँ का पूरा इतिहास बचाया।
तो अगर आप देखना चाहते हैं कि नौ देवी टेम्पल गुफा कैसी है या बाबा धनसर कैसे है, तो आपको भी ये जगह अगर आप कटरा में एक दिन यहाँ पर रुक के एक जगह देखने ज़रूर आए, मोस्टली रिकमेंडेड करूँगा। फिर मैंने दर्शन करने के बाद दोबारा से निकल पड़े हैं, ठीक है। अभी हमारा आगा अगला डेस्टिनेशन पर जाएंगे। यहाँ पर जो समय मुझे लगा सिर्फ 20 मिनट का समय लगा, तो अगर यहाँ पर भी मतलब टेम्पल खाली है, जैसे अभी मैं गया था बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था, गिन चुन के हम 4 से 5 लोग थे, तो आपको 15 से 20 मिनट का ही समय लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर भीड़ होगी दर्शन करने के लिए तो आपका यहाँ से आधा से 1 घंटा जा सकता है। उसके बाद अगले 5 मिनट के बाद अगला स्टॉप आ जाता है, जो कि आज हमारा रहने वाला है, ठीक है, बाबा जीतो जी। बाबा जीतो, ठीक है, यहाँ पे रहने वाले एक बाबा थे जिन्होंने जो 12 साल तक हर रोज जो माता के दरबार में दर्शन करने के लिए जाते थे, और 12 साल हर रोज जाने के बाद माता ने उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद जब माता ने उनसे पूछा कि मांगो तुम क्या मांगते हो, तो उन्होंने वरदान में मांगा कि मेरे गाँव में पानी नहीं है तो यहाँ पे पानी दे दो, जो पानी आज भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अंदर आप जब यहाँ वाले मंदिर में विजिट करेंगे तो पंडित जी यहाँ की स्टोरी बहुत ही अच्छे से बताते हैं, ठीक है, मुझे जितनी याद थी मैंने आपको बता दी। मंदिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे काफ़ी अच्छे पार्क वगैरह भी बने हुए थे जिसमें आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। मंदिर के अंदर ना जो बंदर वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे, मंदिर के अंदर जाएंगे पंडित जी आपको बैठाएंगे, पूरी स्टोरी बताएंगे। मैंने उनसे पूछा भी रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बाहर वहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ के खुद अपने स्टाइल में बता दीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, आप भी स्क्रीनशॉट लेके पूरी हिस्ट्री यहाँ से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो बाबा जीतो जी ने माँ से पानी मांगा था वो आज भी यहाँ पे बह रहा है, जो कि 7 धाराओं के रूप में यहाँ पे बहता है पूरी, ठीक है। इनमें से 7 की 7 धाराएं बहुत ही ज्यादा पवित्र है, अगर आप इनके पानी से नहाते हैं या स्नान करते हैं या पीते हैं तो आपके जो शरीर के सारे रोग वगैरह वो खत्म हो जाते हैं, आपको संतान प्राप्ति होती है। तो काफी सारी मान्यता है ये पानी की। इनमें से सबसे शुभ जो पानी माना जाता है वो रहता है 5 नंबर की धारा, ठीक है। अगर जो ये सामने गेट आपको दिख रहा है, इस गेट से अंदर जाके आपको अपनी बॉटल्स वगैरह भर लेनी है पानी की और अपने घर ले जाना है, अपने रिश्तेदारों को या अपने घर वालों को उस पानी से नहलाए, अपने पीने के पानी में भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा मान्यता है इस पानी की कि इससे सारे जो शरीर के रोग वगैरह खत्म हो जाते हैं। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो आप इन धाराओं के यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं, लेकिन आपको गंदगी या कूड़ा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ऊपर पूरे रूल्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके अंदर जाके आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं और यहाँ से पानी भर के ले जा भी सकते हैं। तो मैंने भी अपनी बॉटल में जो पानी भर लिया और हाथ मुंह भी धो लिया, ठीक है। नहाने का तो यहाँ पे नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ भी पानी काफी ज्यादा ठंडा था और जो शाम है ऑलरेडी हो चुकी थी 5:30, तो अंधेरा होने में भी सिर्फ 1/2 घंटा बचा है। 6 बजे से पहले सारे जो स्पॉट्स वो कवर करके वापस जाना है। तो आपको भी मैं एक बार दिखा देता हूं यहां पे पूरी धाराएं, मैंने 2 धाराएं आपको दिखा दी, ठीक है। ये दूसरी नंबर की धारा थी, यहां पे आगे आपको देखने को मिल जाएगी 3 नंबर की धारा है ना, जो अभी बंद थी पता नहीं क्यों, और ये 4 नंबर की धारा थी और ये 5 नंबर की धारा है। देख सकते हैं लोग यहां पे बॉटल्स वगैरह भर के ले जा रहे हैं और अपने फोन वगैरह का ध्यान काफी ज्यादा रखे और जो खाने पीने के सामान है बैग में ही रखे, क्योंकि यहां पे बंदर है ना काफी ज्यादा है और वो काफी ज्यादा तेज भी आपसे छीन के सब कुछ भाग जाते हैं। बिल्कुल यहां पे धाराओं के साथ में आपको मां दुर्गा का मंदिर भी देखने को मिल जाएगा जहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। मैंने भी अब पानी भर लिया है, वापस जा रहा हूं। पानी भरने के लिए अगर आपके पास बॉटल वगैरह नहीं है तो यहां पे दुकानें पे आपको बॉटल वगैरह भी मिल जाएगा। बाबा जीतो के दर्शन करने के बाद अगले 10 मिनट के बाद मतलब अगले 3 किलोमीटर के बाद अगला स्टॉप जो आपका रहने वाला है वो रहेगा माँ चामुंडा देवी का मंदिर। बाहर से तो देखने में काफी ज्यादा छोटा लग रहा था लेकिन मंदिर अंदर जाके काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा सुंदर है। मंदिर के अंदर आपको बेल्ट जूते चप्पल कुछ पहन के जाना अलाउड नहीं है, लेदर के वॉलेट वगैरह सब आपका जो ऑटो में रहने वाला है तो अपने जो सब कुछ है ना वो पहले ही उतार के बैग वगैरह में रख दे और ऑटो वाले को बिल्कुल गेट के पास खड़ा करके आप अंदर दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना या फोन ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, इसलिए मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाया, पर मंदिर सिर्फ बाहर से ही देखने में छोटा था, अंदर से मंदिर काफी ज्यादा बड़ा था। तो ये था हमारा आज का लास्ट और 4th पॉइंट जो मैंने कवर किया, ठीक है, आज की पूरी ट्रिप में। पूरी ट्रिप मेरी लगभग 3 से 3.5-4 घंटे में कवर हो गई। मैं निकला था 3 बजे, अभी टाइम हो रहा है अप्रोक्सीमेट 5:45 और 6:30 तक है मैं जो वापस कटरा पहुंच जाऊंगा। तो सारी ट्रिप में अप्रोक्सीमेट जो सबसे बेस्ट लोकेशन मुझे लगी वो लगी बाबा धनसर की, जिसके ऊपर आपको 2.5 से 3 घंटे आराम से आप स्पेंड करिए, ठीक है। ऑटो वाले से पहले ही बात करके आइए और उसके अलावा जो बाकी लोकेशंस हैं उन पे भी आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर भीड़ नहीं होगी तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा हर लोकेशन पे 1/2 घंटा लगेगा, लेकिन बाबा धनसर पे भीड़ हो या ना हो आपके 2 से 2.5 घंटे जाने वाले हैं। तो फाइनली जो हमारा दिन है वो खत्म हुआ, ठीक है। 5:50 पे वापस निकल चुके हैं माँ चामुंडा देवी से। यहाँ से अप्रोक्सीमेट 8 से 9 किलोमीटर है दूर कटरा, जो कि हमारी जर्नी काफ़ी वापस रहने वाली है। अभी कटरा
में जाके वापस या तो आप अपने घर जा सकते हैं, या मैं लोकल मार्केट है जो एक्सप्लोर करने वाला हूँ कटरा की, कि वहाँ से क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मशहूर होते हैं जो मुझे खरीदने हैं। तो दोबारा मैंने ऑटो वाले से कहा कि मुझे पुराने बस अड्डे पर उतार दो, तो उन्होंने यहाँ पर उतार दिया। काफ़ी अच्छे अच्छे ढाबे यहाँ पर मुझे देखने को मिले जहाँ पर आप खाना वगैरह खा सकते हैं। 100 से 150 रुपये में थाली आपको मिल जाएगी और काफ़ी सारी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें भी यहाँ पर। सबसे फेमस जो ड्राई फ्रूट की दुकान यहाँ पर चलती है वो चलती है सुभाष की, लेकिन उसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और इतना कुछ खास भी मुझे लगा नहीं। तो आप यहाँ की लोकल छोटी शॉप्स में भी पहले प्राइजेस ट्राई करिए और वही क्वालिटी आप जाके देखिए कि सुभाष पे कितने की, अगर वो सस्ती दे रहा है तो वहाँ से ले लीजिए, ये सस्ती दे रहे हैं तो यहाँ से ले लीजिए। ब्रांड के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। उसके बाद यहाँ पे आप लोकल यहाँ पे खाना वगैरह भी खा सकते हैं। तो मैंने तो पूरी मार्केट वगैरह एक्सप्लोर की, यहाँ पे खाना वगैरह खाया। और ज़्यादा अगर डिटेल में आपको जानना है कि यहाँ पे कौन कौन से होटल्स हैं, कौन कौन सी धर्मशालाएं हैं, कौन कौन से होटल्स मैंने एक्सप्लोर किए सुभाष ड्राई फ्रूट से, मैंने क्या क्या खरीदा, कितने में खरीदा, तो आने वाली वीडियोज़ आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो में अगर आपको हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने और दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।